गोविंदगढ़ कस्बे में तहसीलदार विनोद कुमार मीणा का स्थानांतरण दौसा जिले में हो जाने पर कस्बे वासियों ने सोमवार को तहसीलदार को भावभीनी विदाई दी। विनोद कुमार मीणा का कार्यकाल कस्बे में गोविंदगढ़ तहसीलदार के पद पर 10 माह का चल रहा था, लेकिन 10 माह में विनोद कुमार मीणा कस्बे में तहसील क्षेत्र में तहसीलदार के पद पर लोगों के कार्य किए हैं। तहसीलदार विनोद कुमार मीणा ने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और परिवादी का सम्मान किया और कभी भी किसी को अपने काम से निराश नहीं किया। प्रत्येक तहसील वासियों को अपने काम से तहसीलदार ने संतुष्ट किया, लेकिन राजनीति के चलते तहसीलदार विनोद कुमार मीणा का स्थानांतरण अलवर के गोविंदगढ़ से दौसा कर दिया गया। 10 माह के कार्यकाल में तहसीलदार विनोद कुमार मीणा के 6 ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन हर बार कस्बे वासियों ने विरोध करके विधायक और मंत्री से मिलकर ट्रांसफर को रुकवा दिया था, लेकिन 6वीं बार तहसीलदार ने ट्रांसफर रुकवाने से कस्बे वासियों ने मना कर दिया। कस्बे वासी राधेश्याम जाटव ने बताया कि विनोद कुमार मीणा बहुत ही शानदार और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने काम की वजह से दुखी नहीं होने दिया, सभी को साथ लेकर चले। इस दौरान कार्यक्रम में कस्बे वासियों ने तहसीलदार विनोद कुमार मीणा को स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर अगले पदस्थापन क्षेत्र की शुभकामनाएं दी और गोविंदगढ़ के नए कार्यवाहक तहसीलदार दिनेश गोयल को भी इस दौरान माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामहेत जाटव, राधेश्याम जाटव, कृष्ण सोलंकी, मुकेश कुमार, अमित खेड़ापति, जगदीश सोनी, बंता शर्मा, रोहित खंडेलवाल, बहादुर सैनी, नवल सैनी, प्रकाश सैनी, छोटा खान, मनोज मीणा, मनीष मीणा, दाता राम गुर्जर, देव पटेल, कनिष्क खटाना समेत कई कस्बे वासी मौजूद रहे।